नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अड्डा में। अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके आप सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि झारखंड सरकार परिवहन विभाग द्वारा एक ई पास से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिस पर आप जा करके अब व्हाट्सएप टेक्स्ट के माध्यम से अपने जो आपका प्रॉब्लम है उसे साझा कर सकते हैं और उनके द्वारा आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि हर एक ज़िले के लिए अलग अलग नंबर जारी किया गया है, तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा नंबर है। तो आप उस पर जा कर के अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे अपना प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं और उनके द्वारा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा नोटिफिकेशन है। तो मैं यहाँ पे आ गया अपना, इसके बाद मैं यहाँ पे रखा हूँ गैलरी में से सेव करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार परिवहन विभाग FFP भवन धुरवा रांची, पत्रांक है 3। ये जो दिया हुआ है ये मतलब सरकारी जो झारखंड सरकार द्वारा है, परिवहन विभाग उनके द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है। तो आप इसे, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या इसमें है। तो मैं देख सकते हैं एदत द्वारा सूचित किया जाता है, यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आम सूचना देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि COVID-19 के संक्रमण को रोकने हेतु किए गए लॉकडाउन के कारण झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों एवं राज्यों के बाहर फंसे आए हुए आम जन अपने निजी वाहनों से अपने गंतव्य तक जाने के लिए ई पास हेतु अपने आवेदन इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। तो मैं जैसा कि आपको एक बार इससे रिलेटेड वीडियो भी बना के बता दिया हूँ, ई पास झारखंड.nic.in, इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया हूँ कि कैसे इसका आप मतलब ऑनलाइन जो है कि कर सकते हैं ई पास के लिए। तो मैं उस वीडियो को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और इस वीडियो के लास्ट एंड में मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो खुल जाएगा वो वाला। तो देख सकते हैं कि ई पास हेतु अपने आवेदन इस वेबसाइट पर दे सकते हैं, मतलब आवेदन इस वेबसाइट पर जा कर के आप दे सकते हैं। तो उक्त वाहन पास के संबंध में जिलावार निम्न रूप से हेल्पलाइन नंबर निर्गत किया जाता है। संबंधित नंबरों से व्हाट्सएप टेक्स्ट के माध्यम से ई पास संबंधी जानकारी साझा किया जा सकता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं जूम करके इसीलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप खुद से देख लें ये सारी नोटिफिकेशन। इसके बाद आपको फर्स्ट में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई पास हेल्पलाइन नंबर, यहाँ आप खुद अपना रांची देख सकते हैं, यहाँ पे 2400 जिला जो है उसका दिया हुआ है, पहला है रांची, इसका नंबर है यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, फोर नंबर इसका जारी किया गया है। 4 नंबर है, किसी आप एक पे कॉल मतलब उसका व्हाट्सएप टेक्स्ट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ, इसका नंबर जो है रांची का वो आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा करके अब इस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, रांची के बाद हो गया हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, ये अभी 8 ज़िले का आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार, सिमडेगा, जमताड़ा, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपको सारा नंबर उपलब्ध कराया गया है। तो मैं आपको ये नंबर ऐसा करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ले लेना नंबर, कोई वहाँ से दिक्कत नहीं होगी आपको किसी प्रकार की। और पलामू का नंबर यहाँ पे 2 जारी किया गया है, 2 ही नंबर पलामू के लिए जारी किया गया है, और दुमका के लिए भी 2 ही नंबर है। तो यहाँ देख सकते हैं 80 84 51 15 16, और ये
9113126944। तो पूरा नंबर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आपको दिखाना चाहता था, ताकि कुछ लोग ऐसा कमेंट में कर बोलते हैं कि नहीं आप अपने से खुद बना दिए हो तो, या कुछ ऐसा उन्हें लगे, इसलिए बस मैं इसे दिखा देना चाह रहा हूँ, ताकि आप यहाँ भी एक बार पढ़ सकते हैं ऊपर में कि ये झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसे हेमंत सोरेन जो है हमारे माननीय CM, उनके द्वारा भी ये ट्वीट किया गया है, ट्विटर के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी ये नंबर को। तो आप अब सारी आपकी जो मतलब इससे रिलेटेड थी, तो इसके बारे में मैं वीडियो भी बता के बता दिया हूँ कि epass.jharkhand.nic.in पर जाकर के आप कैसे अपना ई पास को अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपकी सारी मतलब कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, और आपको अगर किसी प्रकार की नंबर इसमें से चाहिए अगर, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के देख लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।